अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खरीद से होंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ 3 एयर ड्रॉप शेयर करूँगा टेस्टनेट के। तो सिंपल आपने इनमें पार्टिसिपेट करना है और फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे लिंक्स अपडेट और एयर ड्रॉप के प्रूफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा पहला एयर ड्रॉप है वो है सायरन प्रोटोकॉल की तरफ से। तो सायरन प्रोटोकॉल की तरफ से ये एयर ड्रॉप है, आपको यहाँ लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा टेस्ट हेयर का, तो सिंपल आपने टेस्ट हेयर वाले लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने किवी ब्राउज़र या माइसिस ब्राउज़र, जो भी आपने यूज़ करते हैं उस पर आपने आ जाना है। यहाँ सिंपल आपने लिंक को पेस्ट करना है। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपल आपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, मेटामास्क को चूज़ करना है। आपके पास मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी तो सिंपल आपने अपना वॉलेट जो है इस तरह से इसके साथ कर देना है कनेक्ट, और आपका वॉलेट इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कुछ दो पेयर आपको देखने को मिलेंगे, BTC और ETH। उसके अलावा नीचे आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कॉल और पुट। यहाँ आपने ट्रेड वगैरह करनी है कॉल पर और पुट पर, तो किस तरह से करनी है यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आपको बाय के काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको कॉल या पुट किसी पर भी आपने पहले सिलेक्ट करना है, और यहाँ मैं सिंपल कॉल पर क्लिक करके सिंपल यहाँ बाय कर देते हैं। जैसे हम बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ फोसिट नहीं है। अब फोसिट आपको कहाँ से मिलेगा, बहुत ही ईजी मेथड है, नेक्स्ट आपको बताऊँगा। उससे पहले यहाँ आपको नीचे स्विच नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ आपके पास आर्बिट्रम गोरली करके नेटवर्क आपके पास ऐड हो जाएगा। सिंपल जैसे आप अप्रूव करेंगे और आपके पास नेटवर्क ऐड हो जाएगा। अब आपने यहाँ फोसिट वगैरह लेना है, यहाँ आपको दो फोसिट के लिंक मिल जाएंगे। तो आपने Q3 में जाना है, Q3 आपने जेली का लिंक आपको मिल जाएगा, उसका पुराना नाम Q3 था, अब न्यू जो है जेली हो चुका है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, यहाँ आपके पास एक्सेप्ट इनविटेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपल आपने एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका आपको आप इनके जो है Q3 में ज्वाइन हो जाएंगे। अब आपने सिंपल यहाँ कुछ टास्क वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, आपने वो टास्क वगैरह कम्प्लीट करना है। पहला टास्क यहाँ सिंपल आपने क्लेम करना है, सेकेंड टास्क हमारे पास है फॉलो सायरन ट्विटर। सायरन प्रोटोकॉल को आपने ट्विटर पर फॉलो करना है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको फॉलो का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके फॉलो करना है। बैक आकर आपने क्लेम रिवार्ड पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ये क्विस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकेंड क्विस्ट है, आपने इनका डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना है, सिंपल ज्वाइन डिस्कॉर्ड पर आपने क्लिक करना है और इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को कर लेना है ज्वाइन। सिंपल एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ वेरिफिकेशन वगैरह कर लेनी है। सिंपल वेरीफाई पर क्लिक करके आपके पास कैप्चा वगैरह आएगा, कैप्चा को आपने यहाँ फिल कर देना है। आपके पास इनका डिस्कॉर्ड जो है वेरीफाई हो जाएगा, आप वेरीफाई हो जाएंगे इनके डिस्कॉर्ड में। अब जैसे आप इनके डिस्कॉर्ड में वेरीफाई हो जाते हैं आपने वापस आ जाना है और यहाँ से बैक करके क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका ये टास्क भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है विजिट का, सिंपल आपने विजिट करना है। 10 सेकंड का यहाँ आपके पास टाइमर होगा, तो जैसे टाइमर कंप्लीट हो जाएगा आपके पास क्लेम रिवार्ड का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल इस तरह से कर देना है क्लेम। अब यहाँ आपको देख सकते हैं कि क्लेम टेस्ट टोकन यहाँ आपको यहाँ से क्लेम करना है। सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपना वॉलेट एड्रेस देना है, अपने सिंपल अपने मेटामास्क को कर देना है ओपन। मेटामास्क को ओपन करेंगे, नेटवर्क हमारे पास ऐड हो चुका था, यहाँ अपने ऊपर सिंपल एड्रेस को यहाँ से कर देना है कॉपी। तो यहाँ सिंपल मैं एड्रेस को कॉपी कर देता हूँ। एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने वापस आ जाना है जीएली में और यहाँ आपने एड्रेस को कर देना है पेस्ट और क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमारा पहला फोसिट जो है हो चुका है, अब सेकंड जो है हमारे पास आ गया है क्लेम मोर टेस्टनेट ETH। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके सेम आपने वही एड्रेस जो आपने पहले दिया था आपने सबमिट कर देना है और क्लेम रिवार्ड पर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका ये फोसिट भी रिसीव हो जाएगा। अब ये फोसिट आपके पास 3 से 5 मिनट के अंदर रिसीव होगा। उसके अलावा यहाँ बाकी सारे और भी काफ़ी सारे आपको क्वेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। इनमें कुछ क्विज
वगैरह भी हैं, तो जिसके आंसर मैं आपको आप अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां से आपने देखकर उनके आंसर भी दे देने हैं। अब यहां मैं आ जाता हूं इनकी वेबसाइट पर, टेस्ट वाले लिंक जो पहला लिंक था उस पर आ जाते हैं, और यहां हम दोबारा से हम एक ट्रेड लगाकर देख लेते हैं। तो यहां मैंने ऊपर से ETH सेलेक्ट कर दिया, कोई भी सिलेक्ट कर दें कोई इशू नहीं है। यहां आपके आप देख सकते हैं कि 0.01 करके मुझे फॉसेट रिसीव हो चुका है। अब सिंपल यहाँ वेबसाइट को मैंने डेस्कटॉप साइड कर दिया है ताकि सब कुछ क्लियरली इजीली नज़र आ सके। तो यहाँ कॉल और पुट और BTC और इथेरियम दो चेन हैं, और दो तरह के आपने यहाँ ट्रेड लगानी है। तो यहाँ पहले मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ। सिंपल आपको यहाँ साइड पर बाय के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, किसी पर भी आपने क्लिक करने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस नाकाफ़ी है। अब हमें सेकंड फॉसेट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो कुछ ही टाइम में जैसे फॉसेट रिसीव होता है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि फॉसेट वगैरह मुझे रिसीव हो चुका है। अब सिंपल आपने दोबारा से यहाँ बाय पर क्लिक करना है। ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं बाय कॉल का आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। सिंपल आपने बाय कॉल पर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, तो सिंपल आपने इसको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन आएगी, सिंपल आपने मिक्स करके नेक्स्ट और अप्रूव कर देना है। उसके बाद आपके पास दोबारा से एक और ट्रांजैक्शन आएगी, तो उस ट्रांजैक्शन को आपने कंफर्म कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन रिसीव हो चुकी है। सिंपल कंफर्म पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। अब यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा व्यू पोर्टफोलियो, तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास जो भी आपने ट्रेड ओपन की होगी यहाँ आपको शो हो जाएगी, और यहाँ साइड पर आप देख सकते हैं कि PNL प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपने वापस आ जाना है इस आयरन के जेली पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वीकली ट्रेड विद साइरन फ्लो, तो यहाँ आपने वीकली बेसिस पर ट्रेड करके सिंपल एक स्क्रीनशॉट यहाँ आपने अपलोड कर देना है। तो आपने वापस आ जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट पर वापस आने के बाद इसी जगह का सेम आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ मैं सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस हम आ जाते हैं जेली में। तो जैसे आप वापस जेली में आएंगे तो यहाँ आपने इस स्क्रीनशॉट को अपलोड करके क्लेम रिवार्ड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपने बाकी के टास्क वगैरह जेली में जो टास्क हैं वो भी आपने कंप्लीट करने हैं। और वेबसाइट पर आपने, मैं भी आपको बता देता हूँ कि बाकी और आपने कौन कौन से किस तरह से आपने ट्रेड लगानी है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। बाकी ये क्विज़ के आंसर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो ये भी आपने यहाँ से वहाँ से देख के कम्प्लीट कर देने हैं। यहाँ आपको जैसे आपके क्रीव का लेवल बढ़ता जाएगा यहाँ आपको इस पर अलग अलग ज़्यादा XP आपको मिलती जाएगी। तो यहाँ हम वापस आ जाते हैं इनके टेस्टनेट की वेबसाइट पर, और यहाँ आपको जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह यहाँ आपको शो हो जाएगा जो भी सिस्टम है, तो इसको आपने यहाँ से देख लेना है। बाकी हम वापस आ जाते हैं यहाँ ट्रेड वाले सेक्शन पर। तो यहाँ हमने कॉल लगाई थी, अब हम पुट पर क्लिक करेंगे। तो पुट पर क्लिक करने के बाद दोबारा से आपने सेम वही प्रोसेस चूज़ करना है, बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ बाय पुट पर आपने क्लिक करना है। आपके पास दोबारा से मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो सिंपल आपने इस ट्रांजैक्शन को यहाँ से कर देना है कन्फर्म। अगर आपके पास इस तरह का एरर आ जाता है तो सिंपल आपने मार्केट पर क्लिक करना है। मार्केट पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपको लॉक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं तो हमारे पास जो है कन्फर्म का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो सिंपल आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। अब आप व्यू पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सेकंड ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि आपने अब एक ही पेयर में ट्रांजैक्शन की है, तो एक ही पेयर की एक ही ट्रांजैक्शन शो होगी, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। तो अगर आप दूसरे पेयर में BTC की पेयर में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको वो सेकंड ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी, तो दो ट्रांजैक्शन आपको इस तरह से शो हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला। अब आज का जो दूसरा एयर ड्रॉप है वो है डीपर फाइनेंस की तरफ से। तो सिंपल आपने यहाँ आपको दो फॉसेट के लिंक मिलेंगे, फॉसेट के लिंक लेने हैं और सिंपल आपने टेस्ट करना है, और डिस्कॉर्ड पर आपने जो है इनका डिस्कॉर्ड पर आपने जाके टेस्टनेट वाले सेक्शन में अपना स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करना है। तो पहले फॉसेट वाले लिंक पर आएंगे तो यहाँ आपसे EVM एड्रेस पूछेंगे, तो आपने अपने मेटामास्क का एड्रेस दे देना है। तो मैं एड्रेस दे के सिंपल सेंड फंड पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको ऊपर यहाँ कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने सिंपल कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, और
आपके जो है नेटवर्क भी यहाँ से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से आपने इसको ऐड कर लेना है। बाकी आप देख सकते हैं कि फॉसेट वगैरह मुझे रिसीव हो चुका है। अब आते हैं सेकंड फॉसेट की तरफ। तो सेकंड फॉसेट लेने के लिए आपने वापस आ जाना है अपने ब्राउज़र में, और यहाँ लिंक को आपने कर देना है पेस डिपर फाइनेंस, डिपर डॉट फाइनेंस करके आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप नीचे करेंगे तो आपको सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो सिंपल कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, मेटामास्क को चूज़ करना है। आपके पास मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी, तो यहाँ से आपने अपना वॉलेट कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा, ड्रिप टोकन्स। यहाँ टोकन्स आप देख सकते हैं कि सिर्फ SMR जो है फॉसेट से हमें रिसीव हो चुका है, बाकी हमारे पास कोई भी टोकन फॉसेट अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको मिलेगा ड्रिप टोकन से। सिंपल आपने ड्रिप टोकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ड्रिप टोकन पर क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांजेक्शन वगैरह आएगी। अभी ये हमारे पास कुछ एरर आया है, तो आप ट्राई कर लेना, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। तो इसके बाद यहाँ SMR के आगे कोलेट्रल करके कुछ ऑप्शन होगा, इस पर आपने क्लिक करना है, और सिंपल आपने दोबारा से इस पर क्लिक करना है। आपके पास मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी, सिंपल आपने इसको कर देना है कंफर्म। और जैसे आप इसको कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हमारी जो है कम्प्लीट हो चुकी है। अब अपना आपने दोबारा से उसी टोकन पर क्लिक करना है, यहाँ आपके पास सप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपने कुछ अमाउंट यहाँ लिख देनी है और सिंपल सप्लाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से ट्रांजेक्शन आएगी, आपने कर देना है कन्फर्म। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि अब सप्लाइड वाले अलग ऑप्शन में हमारी जो है ये हमारा जो है सो SMR ऐड हो चुके हैं। अब आपने दोबारा से इस पर क्लिक करना है और विड्रा पर क्लिक करना है। विड्रा पर क्लिक करके आपने यहाँ थोड़ी सी अमाउंट जो है लिख देनी है और सिंपल विड्रा पर क्लिक करना है। तो दोबारा से आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, इस ट्रांजेक्शन को भी आपने कर देना है कन्फर्म। इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा। अब जैसे आपको फॉसेट और बाकी टोकन कभी मिल जाते हैं तो बाकी टोकन में भी आपने सेम यही प्रोसेस कर लेना है। उसके अलावा यहाँ आपने इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके इनके डिस्कॉर्ड में आकर आपने अपना फीडबैक दे देना है, स्क्रीनशॉट के साथ अपना एड्रेस और ट्रांजेक्शन स्मूथली वगैरह करके लिख देना है। अब हमारा जो है थर्ड जॉब है वो है गेम स्विफ्ट की तरफ से। तो सबसे पहले आपको जो पहला लिंक मिलेगा, लिंक को आपने कॉपी करना है और यहाँ आपने अपने ब्राउज़र में आकर इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ आपको गैलेक्सी की तरफ से 3 ऑट क्लेम करनी है, जो कि इनकी तरफ से अगर कोई तीनों एयर ड्रॉप जो भी तीनों ऑट क्लेम करेगा वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर आपने क्लेम करनी है तो तीनों आपने क्लेम करनी होगी, अदरवाइज़ आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप अपने क्लेम कैसे करनी है यहाँ आपको सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, नहीं तो बाकी ईजीली हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है एक ही टास्क है, वो हमारा टास्क क्या है, गेम स्विफ्ट के डिस्कॉर्ड सर्वर में हमने लेवल 1 का रोल लेना है, ग्राउंड 0 लेवल 1 का रोल लेना है। तो पहले इनका डिस्कॉर्ड सर्वर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ बाकी इसका जो है वेरिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपको इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको ग्राउंड 0 लेवल 1 का रोल लेना है। तो बाकी यहाँ रोल एक्सप्लेन में आप आएंगे तो यहाँ भी आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगी, और मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ। सिंपल GM वाले सेक्शन पर आकर आपने मैसेज टाइप कर देना है, अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रोल हमारे पास अभी सिर्फ रॉकी का रोल है, अब लेवल 1 का रोल कैसे आएगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ हमें ग्राउंड 0 लेवल 1 का रोल चाहिए। तो लेवल 1 का रोल आपने किस तरह से लेना है, आपने वापस आ जाना है यहाँ टेलीग्राम पर। यहाँ आपको एक टास्क का ऑप्शन मिलेगा, तो ये जेली का आपने जेली के टास्क वगैरह करने होंगे X Crew 3। तो इसका जो है पहले Crew 3 था, अब नाम चेंज करके जेली कर दिया है। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और इसको अपने ब्राउज़र में कर देना है ओपन। तो आपके पास एक्सेप्ट इनविटेशन का आएगा, तो सिंपल आपने इसको कर देना है एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ आपको टास्क वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारा जो है मेन टास्क क्या है, हमें क्या लेना है, ग्राउंड 0 लेवल 1 का हमने यहाँ रोल लेना है, You Made It। अब आपने You Made It वाला तक जो है सारे क्विज कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपको ये रोल मिलेगा। अब आपने किस तरह से कंप्लीट कर देना है, यहाँ आप सिंपल टास्क हैं, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस क्विज जो हैं उनके आंसर वगैरह आपको दे दूंगा। पहले टास्क यहाँ लाइक रीट्वीट का था, तो सिंपल हम इसको लाइक रीट्वीट कर देंगे। इस तरह से आपने लाइक और रीट्वीट करना है, वापस आना है, क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करना है, आपका ये क्विज जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर का जो है इनका टास्क है वो भी आपने इस तरह से कर देना है, सिंपल क्लेम कर देना है। इसके अलावा यहाँ क्विज वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्विज है इसका आंसर है सी,
इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाती है। यू कम्प्लीटेड ऑल टास्क इंक्लूडिंग यू मेड इट टास्क विच ग्रांटेड यू ग्राउंड जीरो लेवल वन रोल ऑन गेम स्विफ्ट डिस्कॉर्ड सर्वर। तो जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको डिस्कॉर्ड में ग्राउंड जीरो लेवल वन का रोल मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने जो है यू मेड इट तक सारे टास्क को कंप्लीट कर दें। तो यहाँ बाकी यहाँ फॉलो वगैरह वाले टास्क बाकी जो भी टास्क वगैरह हैं वो आपने सारे यहाँ से कंप्लीट कर देने हैं। तो ये मैं यहाँ से फॉलो कर देता हूँ, सिंपल क्लेम रिवार्ड पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ज्वाइन टेलीग्राम, टेलीग्राम वाला का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो सिंपल आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है, वापस आना है, क्लेम करना है। ज्वाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अनाउंसमेंट चैनल की तरफ आपने आना है, ज्वाइन करना है, बैक करना है, क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करना है, आपका ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ सब्सक्राइब टू गेम स्विफ्ट यूट्यूब। अब ये जो जो भी टास्क हैं इनके आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो वन बाय वन करके सब आंसर आपने यहाँ से कंप्लीट कर देने। तो जैसे आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे आप जो है यू मेड इट वाला टास्क आपके लिए ओपन हो जाएगा, जिससे आपको लेवल ज़ीरो ग्राउंड ज़ीरो लेवल वन का रोल मिल जाएगा और आप पहली ओट यहाँ से क्लेम्स कर सकते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड ओट की तरफ। आपने वापस से आना है पहले वाले लिंक पर गैलेक्सी वाले में। तो आप यहां आ जाएंगे पहले वाले गैलेक्सी में, इसको हम बैक कर देते हैं। बाकी आते हैं यहां सेकंड वाले ओट की तरफ। तो सेकंड ये दो ओट अभी के लिए लाइव हैं और तीसरी ओट अभी आई नहीं है। तो जैसे वो आएगी तो उसकी भी अपडेट यहां मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां इसके टास्क थोड़े से लेन दिए यहाँ हम देख सकते हैं। तो आपने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा से अजीब हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एड फेवरेट गेम टू द विश लिस्ट। अब आपको विश लिस्ट में जो है कुछ गेम्स को अपनी फेवरेट गेम को विश लिस्ट में ऐड करना है। तो आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे जैसे यहाँ आपने अपना ईमेल, निकनेम, पासवर्ड और उसके बाद रिपीट पासवर्ड और उसके बाद यहाँ आपने टिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ आपके जीमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल रिसीव होगी, वहाँ से आपने इसको कर देना है वेरीफाई। तो यहाँ सिंपल आपने कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपने अपने जो है ब्राउज़र में ओपन कर लेना है इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट इज़ एक्टिव, यू विल बी रिडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। तो सिंपल आपने लॉगिन कर देना है। तो यहाँ मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ साइन इन पर क्लिक करूँगा और यहाँ अपना ईमेल पासवर्ड देकर सिंपल मैं वापस यहाँ से साइन इन पर क्लिक कर दूँगा। इस तरह से मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा और यहाँ मैं साइन इन भी हो जाऊँगा। अब ये टास्क हमारा हो चुका है कम्प्लीट। अब वापस आते हैं और वापस आने के बाद यहाँ हम ओट वाले पर वापस आते हैं, बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। विश लिस्ट वाला आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपको विश लिस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपल आप जिस पर क्लिक करने, आप यहाँ देख सकते हैं कि नो रिज़ल्ट फाउंड। अब आपने होम पेज पर वापस आना है या एक्सप्लोर गेम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आपको गेम्स वगैरह शो होंगे और ये ऊपर छोटा सा हार्ट शो होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके विश लिस्ट में ऐड हो जाएंगी ये गेम्स जो भी आप यहाँ करेंगे। विश लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों गेमें हमारे पास यहाँ विश लिस्ट में ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ ये विश लिस्ट वाला टास्क भी हमारा हो चुका है कम्प्लीट। अब वापस आते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे बैक। यहाँ आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ कि स्नैपशॉट इज़ टेकन एवरी डे बिटवीन 7 and 9 UTC। तो 7 and 9 AM UTC को डेली स्नैपशॉट होगा, इसके बाद आप यहाँ इसको वेरीफाई कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तानी क्या टाइम बनता है वीडियो क्लास में ये भी आपको बता दूंगा। बाकी आते हैं सेकंड टास्क पर। यहाँ आपको इनवाइट करना है। इनवाइट किस तरह से करना है, सिंपल आपने आ जाना है अपने इसी गेम सेट वाली वेबसाइट पर, लीडर बोर्ड पर यहाँ आपने क्लिक करना है। थ्री लाइन्स पर क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपी रेफरल लिंक का आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, आपका रेफरल लिंक जो है कॉपी हो जाएगा। अब आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने कोई भी सेकेंड जी मेल से आपने सिंपल अकाउंट को क्रिएट करना है, आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा।
ये टास्क भी कंप्लीट करने के बाद आपने वापस बैक आना है। नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, ऐड योर ईवीएम वॉलेट एड्रेस। अब आपने अपना जो है मेटामास्क को इसके साथ ऐड करना है, तो सिंपल आपको यहाँ नीचे जो है सेकंड नंबर पर ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ ऐड वॉलेट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, सिंपल आपने ऐड वॉलेट पर क्लिक करना है, मेटामास्क को चूज़ करना है। मेटामास्क में आपके पास ट्रांजेक्शन वगैरह आएंगी, तो सिंपल आपने इसको यहाँ से कनेक्ट करना है और साइन करना है। यह आप देख सकते हैं कि चेंड आईडी मस्ट बी अ स्ट्रिंग, तो यहाँ से आपने कोई भी चेन आईडी को चूज़ करना है और सिंपल आपने दोबारा से डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कर देना है, आपके पास आपका वॉलेट जो है यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ वापस आते हैं, ये टास्क भी हमारा हो गया डन। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ आते हैं, रजिस्टर योर गेम स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, डिटेल पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास कुछ इस तरह से करके ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपने कॉल टू एक्शन देखना है, आपके पास लिंक आएगा कॉल टू एक्शन पर। तो यह प्लेटफॉर्म गेम स्विफ्ट साइन इन, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आपने दोबारा से यहाँ एक मरतबा अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर देना है, साइन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका ये टास्क भी हो गया डन। अब आपने वापस आना है दोबारा से गैलेक्सी की तरफ। जैसे आप गैलेक्सी की तरफ वापस आएँगे, इसको आपने बैक करना है और यहाँ आपने आपको दो टास्क और मिलेंगे, लाइक रिट्वीट का ये भी आपने कर देने हैं। बाकी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ स्नैपशॉट जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्या टाइम बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 पीएम बनते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। तो अगर आप 12 पीएम से पहले कंप्लीट करते हैं टास्क वगैरह, तो 12 पीएम के बाद आप वेरीफाई करके ओट को क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस ओट वगैरह को भी क्लेम कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।